नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच T20 सीरीज काफ़ी रोमांचक सीरीज रही और दोस्तों भारतीय टीम ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से अपने नाम कर लिया इस सीरीज को। और दोस्तों तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने यह मुकाबला 67 रन से टीम इंडिया को जिता दिया। और दोस्तों अब इस मुकाबले में क्या क्या रिकॉर्ड्स बने वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट की हर एक लेटेस्ट अपडेट और इसी तरह के रिकॉर्ड्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और साथ ही दोस्तों भारतीय टीम की शानदार जीत और खिलाड़ियों के इन रिकॉर्ड से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं वो रिकॉर्ड्स जो इस मुकाबले में बने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रिकॉर्ड की बात करते हैं वो विराट कोहली का। विराट कोहली ने दोस्तों इस T20 मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली और इस पारी के साथ ही दोस्तों वो T20 में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। अब वो 24 अर्धशतक लगा चुके हैं और दोस्तों उनसे पीछे हैं रोहित शर्मा जिनके 23 अर्धशतक हैं। तो यानी कि तू पात पात तो में डाल डाल पर चल रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। वहीं पर इसके बाद बात करें दोस्तों अगले रिकॉर्ड की तो वो है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने जैसे ही अपने इस पारी में पहला छक्का लगाया वो 400 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं और पहले भारतीय भी। इससे पहले यह कारनामा क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी कर पाए और दोस्तों अब रोहित शर्मा ने भी ये कारनामा कर दिखाया है और 400 इंटरनेशनल छक्के जड़ दिए हैं। वहीं पर दोस्तों तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो है विराट कोहली का। विराट कोहली ने अपने T20 कैरियर का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है, मात्र 21 गेंद में इन्होंने अर्धशतक लगा दिया है। ये पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इससे पहले सबसे तेज युवराज सिंह ने 12 बॉल में लगाया था, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने अपने कैरियर का सबसे तेज अर्धशतक इस मुकाबले में लगा दिया और दोस्तों इस पारी में 7 छक्के भी शामिल रहे इनके बल्ले से। रिकॉर्ड नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का T20 में तीसरा सबसे बेस्ट स्कोर बना डाला। इससे पहले दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 260 रन बनाए थे 5 विकेट पर, 244 रन 4 विकेट पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाए थे और अब 240 रन 3 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाकर इतिहास रच दिया है और तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है T20 का भारत का। वहीं पर दोस्तों अगले रिकॉर्ड की बात करें तो यह है दोस्तों एक T20 मुकाबले में 3 खिलाड़ियों द्वारा अर्धशतक लगाना एक ही टीम के, और वो भी दोस्तों 30 गेंदों से अंदर, जहां पर 29 गेंदों पर KL राहुल ने अर्धशतक लगाया था वहीं पर 23 गेंदों पर रोहित शर्मा ने लगा दिया और आखिर में विराट कोहली ने मात्र 21 गेंदों में ही अर्धशतक लगा दिया। यानी कि 3 खिलाड़ियों ने अर्धशतक लगाए और तीनों खिलाड़ी 70 से पार गए। ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ और 3 अर्धशतक एक मुकाबले में ऐसा चौथी बार हुआ और दूसरी बार भारतीय टीम ने ऐसा किया है। इससे पहले 2007 में भी टीम इंडिया ऐसा कारनामा कर चुकी है। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही दोस्तों इन बल्लेबाजों के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।